दोस्तों, अगर आप लोग बाकी YouTube पर सीरियसली काम करते हैं तो आज की ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखते रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं YouTube कॉपीराइट मैच टूल के बारे में, ये क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके YouTube चैनल पर से कई लोगों ने वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल दी है, तो आप कैसे पता करेंगे किसने मेरी वीडियो को कितना इस्तेमाल करा और किन किन चैनल पर मेरी वीडियो अपलोड है। तो यही कारण है जिसके लिए यूट्यूब ने कॉपीराइट मैच टूल बनाया हुआ है, उससे अपन पता कर सकते हैं किस YouTube चैनल ने अपनी वीडियो को लिया और कितना कितना परसेंट अपनी वीडियो को यूज करा हुआ है। तो आज अपन पूरा सीखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, आपको आ जाना है आपके YouTube चैनल पर। चलिए सर्च करता हूँ यूट्यूब, ये मैंने सर्च करा है दोस्तों, ये यूट्यूब का ओपन कर लेंगे तो आपको अपनी जीमेल ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यूआर चैनल का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे, कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। यहाँ आपको क्लिक कर देना है ये वाले ऑप्शन पे, यूट्यूब स्टूडियो वाले ऑप्शन। देखिए तो ये यूट्यूब स्टूडियो लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो पे। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यूट्यूब स्टूडियो पे डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शन बने आ रहे होंगे। अगर यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा अच्छे से, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऊपर तीन लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऐसा दिखेगा। तो नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है मोनेटाइजेशन और यहाँ पे लिखा है कॉपीराइट। ये देखिए दोस्तों, ये कॉपीराइट पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यही है मैच टूल। अब इसका काम क्या है आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे इस चैनल पर जो भी वीडियो पड़ी है, एक किन किन लोगों ने अपलोड की हुई है, तो आपको बताना चाहूँगा ये मेरी कुछ वीडियो है जो कि इस चैनल की मेरी वीडियो किसी किसी लोगों ने अपलोड की हुई है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है जाने अनजाने फेट, इसने मेरी वीडियो को पूरा 100% वीडियो को लिया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसने अपलोड की है 27 दिसंबर 2019 को, इस पर 11 लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है और पूरी वीडियो इसने मेरी ली हुई है। आप देख सकते हैं इस चैनल में वीडियो को अपलोड करा हुआ है। दूसरा आप देख सकते हैं, इस पर कोई लिखा हुआ है ब्रिटिशा की लड़की ने किया कुछ खेल कूद का डांस, क्योंकि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं स्टंट की वीडियो है मेरे, ये इस चैनल ने मेरी वीडियो ली। इस पर लिखा हुआ है यूट्यूब सब्सक्राइबर फ्री, इसका नाम है ना, और जो कि जून 2018 को अपलोड हुई है, 2 जून 2018 को। इस पर 1400 व्यूज हैं, 1400 व्यूज भी मान सकते हैं आप, जो लिखा है 1.4 मतलब 1400 व्यूज हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पे एक लिखा आता है, तो कुछ मतलब का नहीं है मूव टू अरेवल, तो इसका कुछ काम का नहीं है। देखेंगे आप आई बटन आपको देखने को मिलता है, आई बटन इसका मतलब है रिक्वेस्ट वीडियो रिमूव, इसका मतलब है कि आप उस वीडियो को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड आप यहाँ पे है ना कंटेंट मतलब, तो इससे इसके थ्रू आप अपने चैनल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये चैनल का नाम है यूट्यूब सब्सक्राइबर फ्री, तो इस ऑप्शन के द्वारा आप उस चैनल से भैया कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उससे बोल सकते हैं भैया मेरी वीडियो आप रिमूव कर दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो मैं आपकी चैनल पे स्ट्राइक मार सकता हूँ। या उससे आप ये भी बोल सकते हैं भैया आप, मैं आपको स्ट्राइक दे रहा हूँ, आपसे मैं इतने रुपये लूँगा, आप मुझे पैसे देंगे तभी मैं आपकी वीडियो पर चैनल पर से स्ट्राइक हटाऊंगा। अभी कैसे काम करते हैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इन दोनों का ऑप्शन मैंने बता दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो वीडियो है वो यहाँ से हट जाएगा इस लिस्ट में से, है ना दोस्तों। इसका अपन उपयोग नहीं करेंगे। अपन बात करते हैं किसी भी वीडियो मतलब किसी भी चैनल को अपन कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। उसका मतलब ये दोस्तों, जब अपन कॉपीराइट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यूट्यूब के द्वारा वो वीडियो टेक डाउन कर दी जाएगी उसके चैनल पर से, है ना। उसके साथ में उसको एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल जाएगा। तो चलिए अपन अब बात करते हैं ये वाली वीडियो पर मैं कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहता हूँ, चलो इस पर नहीं देना चाहता। मान लेते हैं भाई मैं इस वाली वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा रिक्वेस्ट वीडियो रिमूव पर क्लिक करूंगा। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको ये पूरा भर देना है। यहाँ पे आपका नाम भर दीजिएगा, जल्दी नाम भर दूंगा मैं, अंकित मेरे इंडियन टीवी। और यहाँ अपना मोबाइल नंबर ये पूरा भर दीजिएगा, सेकेंडरी ईमेल वगैरह जो जो भी है सब पूरा भर दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पूरा भर दीजिएगा और भर देने कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे आना है ये सब पूरा ऑप्शन भरने के बाद ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको करना है दोस्तों, आपको ये पूरा भर देने के बाद यहाँ पे आपको पूरा ये भर दीजिएगा और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको इन तीनों पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपको साइन कर देना है और साइन करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट आपको देखने को मिल रहा है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जब सबमिट करेंगे कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो आप देखिए रिक्वेस्ट इमेज सबमिट तो ही हो चुका है, ये वीडियो यहाँ से हट चुकी है और जो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक है वो चैनल के पास पहुँच चुका होगा, मतलब 24 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा और वो वीडियो यूट्यूब द्वारा टेक डाउन कर दी जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इस तरीके से तो अपनी वीडियो को आप चेक कर सकते हैं किसने अपनी वीडियो को लिया है, किसने नहीं लिया, कितने परसेंट इस्तेमाल करा। आप देख सकते हैं कि 100% इस्तेमाल किया है, 100% इस्तेमाल किया, 100% इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो किन किन चैनल ने ली हुई है, यहाँ पे चैनलों के नाम भी लिखे आते हैं दोस्तों, है ना। और अगर किसी ने 50% लिया है, 40% लिया है, वो भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चैनल पर कॉपीराइट मैच टूल की मदद से कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको कई सारी वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।